का। सो मेरे साथ हैं यहाँ पे धर्म दादा, गाड़ी चला रहे हैं, और ये पीछे आरती और अभिषेक। सो चलिए चलते हैं। स्टूडियो में एंटर करते ही इजहार ने जो भी इनवाइट्स वगैरह ऑलरेडी बनाए हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, जैसे दीज आर फॉर बेबी शावर, ये सब कुछ जो सेक्शन है, फिर ये सब कॉर्पोरेट वगैरह के लिए है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। बेसिकली दे आर इनटू इनवाइट्स एंड गिफ्टिंग, मतलब हैम्पर्स बोथ। और ये हाल ही में इन्होंने फिल्म फेयर का इनवाइट किया था, ब्लैक एंड गोल्ड वाला। यस, सो आई एम हियर इजहार गिफ्टिंग एंड इनवाइट्स, दैट्स द नेम। और मैं इनके ऑफिस में हूँ, जो बहुत मुंबई वाले ऑफिस में हूँ, जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी और अट्रैक्टिव है। एंड मी बीइंग यू नो ऑलवेज दैट क्रिएटिविटी वाला लवर, तो मैं तो घुसते ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए आई हूँ। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू विजिट सच प्लेसेस। एंड अब हम सबसे पहले बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके का कार चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और फिर आई एम श्योर ये पूरी टीम जो यहाँ पे है, ये मुझे अपने इनपुट्स देंगी, एंड देन इंशाल्लाह वी कम आउट विद समथिंग वेरी गुड। द एंटायर वेडिंग इज हैपनिंग इन द विलेज, विच इज आवर विलेज नियर कानपुर। सो एंटायर वेडिंग इज हैपनिंग देयर, ऑल द रस्में आर हैपनिंग देयर। सो ये सबसे पहली मीट है मेरी इन लोगों के साथ, तो ये एकदम बेसिक वाली है जहाँ मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी वेडिंग की पूरी थीम क्या है, फील क्या है। उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रख के कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे, टीम अपनी इनपुट्स देगी, देन दे विल कम आउट विद अ डिज़ाइन, और वो हम सबको जो भी पसंद आएगा दैट वी विल अप्रूव, या हम उसमें कुछ चेंजेस करने बोलेंगे। तो ये जस्ट इनिशियल स्टेप है जिसके लिए मैं आ जाई हूँ। Exactly. You like the outlook of this thing, right? You know, अंदर जो भी करना है वो जो customization है, that will do according to you. You know what? This is really nice. Okay. You know, you can put Kesar or something like that. Okay. Whatever you want. So okay. We can do the combination. Yeah. This is also very pretty. So in these jars we can put whatever we want. Yes. Okay. Can I open this? That's right. निकलेगा ना, आई एम वेरी प्रोन टू ब्रेकिंग थिंग्स। हाँ, आई लव दिस आल्सो एक्चुअली। आप वीक के बाद एक बेटर ही दिखाते हो, तो नाउ यू टेल मी व्हाट यू कैन गिव मी। सो दिस इज फॉर द क्लाइंट, वाज फॉर द यूएस क्लाइंट। दिस इज ब्यूटीफुल। देयर इज गोइंग टू बी अ लोगो फॉर बोथ ऑफ देम। Sure. तो वो हमारी वेडिंग प्लानर्स जो है, कस्टमाइजेशन जो भी रहेगा ना, सो वी कैन ऐड दिस काइंड ऑफ अ लोगो फॉर देम, देन समथिंग इन दिस प्रिंट आल्सो यू कैन ऐड। यस, सो यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी वैरायटीज हैं कार्ड्स की, मतलब वन बेटर देन द अदर। मैं अभी सिर्फ चार पांच ऑप्शंस में ही मैं कंफ्यूज हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है। सो सबसे पहले मैं आपको पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये है शिखा, जो खुद भी शूट करने में बिजी है, बट दैट्स द फन यू नो। एंड शी इज मलिका एंड ही इज हमद, सो दे आर असिस्टिंग मी विद एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली ये तो पहली मुलाकात है, आगे जैसे मैं भी इन्हें और जानूंगी, आप भी मेरे साथ साथ इनको और जानेंगे। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो, जार्स में जब भी है, सो व्हाट इज बेटर, इज ड्राई फ्रूट्स बेटर, और शुड वी हैव, मैम यू कैन ट्राई आवर एडिबल आल्सो, वी हैव वेरी डिफरेंट varieties in that. Okay. Instead of dry fruits, we have nice chocolate hazelnuts and all. Haan, nice. Instead of dry fruits, correct. It's very common. Correct. So, देखिए मेरी टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, क्यों वो आप या तो समझ जाएंगे या मैं बाद में बताऊंगी। जो भी है बहुत यम है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए, जब कार्ड बन के आएगा। बहुत यम है ये। अब मैं ऐसे में डाइट कहाँ करूँ बताओ। सो दे हैव दिस लवली वैरायटी जो कि आप अगर अपने कार्ड में, जार्स में वगैरह रख के देना चाहो तो वो एक ऑप्शन है खाने के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ नमकीन हैं, तो बहुत ही यमी था सब कुछ। क्या हाल हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये टीम है। ओके, दैट्स शो इट, दैट्स माय हस्बैंड, ब्राइड्स ब्रदर।
सो जो कुछ भी हमने थोड़ा सा प्लान किया था और जो भी मुझे कार्ड्स अच्छे लगे थे वो सारे मैंने शोएब को भी दिखाए, उनको भी बताया, तो उन्होंने भी अपने इनपुट्स थोड़े बहुत दिए ताकि जब टीम हमारे लिए जो कार्ड होगा उसे डिज़ाइन करने बैठेगी तो ये सबके इनपुट्स एक साथ जो हैं वो काम आएंगे। सो इसीलिए ये सारे कार्ड्स हमने शोएब को भी दिखाए। मानना पड़ेगा सच में यहाँ पे इजहार के स्टूडियो में ना इनके पास कार्ड्स वैरायटीज ऑप्शंस किसी चीज़ की कमी नहीं थी एंड इनका एंथुजियाज्म एंड वॉर्म्थ इतना अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक के बाद एक हम और कार्ड्स ये मुझे दिखाते चले गए। एट नो पॉइंट दे वांटेड मी टू फील कि यू नो गो बैक होम थिंकिंग कि अरे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखे। सो दैट वाज वेरी स्वीट। और ये मैंने अपने हिस्से का पाप कर लिया, तुम लोग करो। ये देखो क्या लेके आए, ये देखिए मैं रोज उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज मैं एकदम स्ट्रिक्ट वाली डाइट करूंगी, या तो ये दोनों मुझे ले जाकर के हाई पॉइंट पे खिला देते हैं, और आज ये देखो ये नहीं। चलो आरती खाओ। अरे यार ये तो बच गई। अभी एक तो कॉफी पी रहा है ना, चलो चॉकलेट कॉफी गोज वेल। चलो देन आई हैव अ कॉफी एज़ वेल। आई हैव But I'll be happier if we have some flowers like this. Yes, correct. Because as I said, it's looking more of a reception feel. Yes, yes. Like a reception party feel, not very. क्योंकि शादी तो हो चुकी होगी. नहीं तो अभी reception के लिए that concept is. Yeah. लीजिए आ गई हमारी कॉफी। अब मैं इनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ ना, तो मैं खा लूंगी कुछ। What's this? चिकन पाप करेक्ट, तो आप मुझे बता देना डिटेल्स, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ब्राइड नेम ग्रूम नेम ये सब डिटेल्स वगैरह बता दूंगी। कुछ कार्ड्स में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है, जैसे कि ये देखिए, ये जो खिड़कियाँ बनाई हैं ये हर एक लेज़र कट से बनाई हैं। आई मीन हाउ इम्प्रेसिव, जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली ट्रीट। थैंक यू सो मच, मतलब मज़ा भी आया, कार्ड भी देख लिया, एंड एज वी ऑलवेज सेड अर्लियर दैट द वाइब वाज राइट। सो चलिए अब चलने का वक्त। कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी और बनाने वाले थे ये। अब मैं जब भी आऊंगी आपको मुझे कॉफी पिलानी पड़ेगी। थैंक यू। एंड निकलने से पहले पहली मुलाकात की कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनती है ना। सो हमने काफी हद तक डिजाइन जो है वो चूज कर लिया है। वो कभी कभी होता है ना कि एक नजर में अच्छा लग गया, वैसा हो गया है। एंड मैंने शोएब को भी वीडियो कॉल करके दिखाया तो उनको भी वो बहुत अच्छा लगा। बट अब जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं या थोड़ा अपना फ्लेवर ऐड करना है वो ये करेंगे, क्योंकि ये पूरा नोट्स ले चुके हैं कि हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए, एंड आई एम श्योर बहुत जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो वो जैसे जैसे मैं आऊंगी वैसे वैसे आपको अपडेट मिलेगा। बट फॉर नाउ दिस फर्स्ट विजिट वॉज वेरी फ्रूटफुल एंड